झांसी के मेडिकल कॉलेज के बच्चा वार्ड में 10 बच्चों की मौत के बाद वहां की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। व्यवस्थाओं की स्थिति क्या थी ये जानने के लिए हमारे साथ एक व्यक्ति हैं। भैया क्या नाम है आपका? कृपाल सिंह राजपूत। आपका बच्चा भर्ती था? हमारा बच्चा भर्ती था। क्या समझ में आया आपको, वहाँ क्या देखा? वहाँ हमने आग लगी हुई देखी, वहाँ हमने आग लगी हुई देखी, आग लग चुकी थी, सारी जो वहाँ का स्टाफ था सब बाहर था, हमने देखा तो हमने वहाँ से स्वयं एक 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 पलंग पर एक एक उसमें 6-6 बच्चे थे, करीब 70 बच्चे होंगे, तो कम से कम 20-25 बच्चों को तो हमने अपने स्वयं निकाला है। आपके हिसाब से कितने बच्चे जो आप निकाले थे, कितने बच्चे जले हुए थे क्या? जहाँ आग लग चुकी थी वहाँ कम से कम 10-15 बच्चे छोड़ दिए थे, जो ज्यादा भीषण आग लग चुकी थी तो वहाँ 10-15 बच्चों को छोड़ दिया था, जहाँ आग लग चुकी थी जहाँ जा नहीं पा रहे थे, और इसके बाद जो बच्चे थे उनको जैसे तैसे निकाल के उनको बचाया। घटना स्थल पर कितने बजे पहुंचे थे? 10 बजे, फिक्स 10 बजे की घटना है सर। कैसे आपको आपको कैसे पता चला कि आग लगी है? हमें सब बुलाया गया था कि मतलब राउंड पे बुलाते थे, सब नाम से बुलाते थे, बच्चों के नाम से कि फलाने आ जाए यहाँ दूध पीने के लिए, पिलाने के लिए, इसमें गए थे सब। आपका बच्चा कौन बच्चा भर्ती था? हमारा रजनी अनुज के नाम से भर्ती था। रजनी अनुज कौन है? हमारे लड़का और बहू। आपका पोता था भर्ती है? पोती थी? जी जी पोता। वो ठीक है बच्चा? ठीक है सर। आपके हिसाब से लगभग कितने बच्चों के हताहत होने की जंग? 15 बच्चों से कम की नहीं होगी सर। तो व्यवस्थाएं आपने क्या समझ में आई आपको वहां पे देखा आपने, क्या कमी ऐसी रही कि इतने बच्चों को हताहत हो गए? वहां जब आग लगी उस समय, जिस समय आग लगी उस समय एक नर्स में भी आग लग चुकी थी, उनकी भी जांग जल चुकी है। मैंने ये देखा जब वहां से भाग के आए उनमें आग लगी, तब हम दौड़े कि अब बच्चों में आग लगने वाली है, तब उनको बचाया और पब्लिक को हमने बच्चों को दिया, किसी का भी बच्चा हो उठा उठा के दिया। देखा ये प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने इतने बच्चों को बचाया, और इस बात भी इनका जो कहना है कि लगभग 70 बच्चे भर्ती थे, ये बड़ा सवाल है कि आखिर जिसमें 18 बेड का वो वार्ड था इसमें इतने बच्चे कैसे भर्ती थे, ये व्यवस्थाएं पे अपने आप एक बड़ा सवाल उठता है।